एपिसोड 2 के लास्ट में हमने देखा था कि सेंगचुंग यानी थेओंग पार्क पे गन टिकाए हुए था और फिर अचानक से गोली की आवाज आती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम थेओंग को देखते हैं जो लिफ्ट में किसी से फोन पे बात कर रहा था और कहता है कि जैसे मैंने कहा है वैसा करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा क्योंकि मैं ह्वेंग थेओंग हूँ। फिर वो अपने डैड के ऑफिस जाता है, उस समय वो वहाँ नहीं थे, तो वो उनके चेयर पे बैठता है और सोचता है कि एक दिन ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट थेओंग। तभी उसकी नज़र टेबल पे रखे विल पे पड़ती है। अपने विल पे प्रेसिडेंट ह्वेंग ने लिखा था कि वो अपना कुछ भी अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट अपना कुछ भी थेओंग के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहते। वो ये सब सोच ही रहा था कि प्रेसिडेंट ह्वेंग के आने की आवाज़ आती है और वो फटाक से उनके चेयर से उठ जाता है। प्रेसिडेंट ह्वेंग पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कुछ काम है क्या? तो थेओंग कहता है कि मुझसे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तभी प्रेसिडेंट ह्वेंग को किसी का कॉल आता है। थेओंग कहता है कि जरूर पार्क के डैड का कॉल होगा, आप बस उनसे ये बोल दीजिए कि मैं सिचुएशन सुधार दूंगा। वो ये बोल भी देते हैं और ये भी ऐड कर देते हैं कि मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। ये सुनकर थेओंग स्माइल करता है। प्रेसिडेंट ह्वेंग कहते हैं कि यही चाहिए था ना तुम्हें, तो अब यहाँ से चले जाओ। जाते हुए थेओंग की नज़र विल पे पड़ती है और वो पलट के पूछता है कि आप मुझसे प्यार करते हो? तो वो बोलते हैं कि हाँ करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, पर उनका एक्सप्रेशन थोड़ा अनकन्विंसिंग लग रहा था। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था। उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी कि प्रेसिडेंट ह्वेंग का बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा, हमारे बेटे की ऐसी हालत बना दी और वो है कहाँ। ठीक उसी समय थेओंग वहाँ पहुँचता है। पार्क की मॉम उस पे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को शूट कैसे किया, तुम मॉन्स्टर हो। थेओंग कहता है मैंने शूट नहीं किया, मैंने बस ब्लैंक्स फायर किए थे। फिर पार्क की तरफ देखकर कहता है ये जब भी बोर होता ली सेंगचुंग को बुलाकर उस पे ब्लैंक शूट करता था, मारता था, हैरास करता था, इसलिए मैं इसे वो डर फील कराना चाहता था जो सेंगचुंग फील करता था। थेओंग फिर पार्क के डैड से कहता है हंटिंग गन घर में रखना इलीगल होता है, आपको तो पता ही होगा, आप तो चीफ ऑफ स्टाफ हो। तो वो कुछ नहीं बोल पाते। थेओंग फिर हंसकर बोलता है कि टेंशन मत लीजिए, हम में से कोई भी इसे बड़ा इशू बनाना नहीं चाहता, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर थेओंग भी था बहुत बुरी हालत में। थेओंग का ड्राइवर उसके पास जाकर कहता है कि आज तो थेओंग ने तुम्हें बचा लिया। फिर उसके नेल्स देखकर कहता है तो तुम्हें भी थेओंग की तरह ही नेल्स बाइट करने की आदत है क्या। फिर थेओंग हॉस्पिटल से निकलता है और सेंगचुंग को भी साथ चलने को कहता है, ये बोलकर कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। सेंगचुंग आता है और उसके हाथ पकड़कर पूछता है कि तुमने हेल्प क्यों किया। थेओंग कहता है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि तुम मेरी वजह से मार खा रहे हो। थेओंग को समझ नहीं आता, वो पूछता है कि इसका क्या मतलब। तो थेओंग कहता है कि बस इतना समझ लो कि आज मेरा कर्ज सेटल हो गया। अगले सीन में हम नाजोही को देखते हैं जो सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब पे आई थी। दूर से ही कोई आदमी उसे गुस्से में देख रहा था। फिर इधर थेओंग सेंगचुंग को घर ड्रॉप करता है और उसे बोलता है कि पार्क वाली बात अपने पेरेंट्स को मत बताना वरना वो लोग बेवजह चिंता करेंगे। थेओंग बिना कुछ बोले अंदर जाने लगता है। थेओंग भी जाने लगता है तो उसे घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो रुक जाता है। घर के अंदर लैंडलॉर्ड अपने आदमियों के साथ आया था और रेंट नहीं मिलने की वजह से बहुत चिल्ला रहा था। सेंगचुंग घर जाता है तो सबको इग्नोर करता हुआ अंदर जाने लगता है। उसकी मॉम उसके चोट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि बास्केटबॉल खेलते हुए चोट लग गई। खुद को इग्नोर होता देख लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। थेओंग यानी असली थेओंग खिड़की से सब कुछ देख रहा था और बहुत गुस्से में आ रहा था। सब लोग के बाहर जाने पे थेओंग गेट के बाहर छुपकर अपने डैड और लैंडलॉर्ड की बात सुनता है। उसके डैड लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा समय और दे दे रेंट देने के लिए और उसके पैर पकड़ लेते हैं। लैंडलॉर्ड बहुत बुरी तरह से लात मार के हटाता है। असली थेओंग को अपने डैड के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। लैंडलॉर्ड उनकी बहुत इंसल्ट करता है और कहता है कि मेरे शूज पॉलिश कर दो तो मैं तुम्हें 10,000 वोन दूंगा, और हंसता है। थेओंग ये देखकर वहाँ से जाने लगता है और फिर पलट के देखता है तो मिस्टर थेओंग लैंडलॉर्ड का शूज अपने हाथ से पॉलिश करने लगे थे। ये देखकर वो खुद में बोलता है कि पेरेंट्स को बदलने का डिसीजन उसने बिल्कुल सही लिया और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में थेओंग को विल का ध्यान आता है और वो सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा।
उसकी नजर बाहर पड़ती है तो वहाँ न्यूज टेलीकास्ट हो रहा था जिसमें बता रहे थे कि दोशिन बायोटेक का सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट 10 ट्रिलियन वोन हो चुका है। हॉस्पिटल में पार्क और यूजिन भी वही न्यूज देख रहे थे और फिर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ह्वांग ने फिर से जैकपॉट हिट किया। यूजिन पूछती है पार्क से कि तुम और त्योंग क्या कर रहे थे जो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। पार्क कहता है कि तुम त्योंग के बारे में आजकल कुछ ज्यादा ही पूछती हो, तुम्हें उस पे क्रश है क्या? तो योजिन सीरियस होकर बोलती है कि हाँ मैं त्योंग में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं उसे जान से मार देना चाहती हूँ और फिर हंसती है ये बोलकर कि मजाक है। दूसरी तरफ हम प्रोटेस्टर्स को देखते हैं जो अपना घर बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सियोंग च्योंग के डैड उन लोगों में से थे जिन्हें प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए हायर किया गया था। उनका फर्स्ट टाइम था ऐसे काम में तो वो बहुत नर्वस थे। उनका बॉस ये समझ जाता है इसलिए उनको एक दूसरे आदमी के साथ साथ रहने को बोलता है। ये बहुत ही इंटेंस काम था और इस दौरान वो आदमी उन्हें बचाता भी है। काम खत्म होने के बाद सारे लोग रेस्ट कर रहे थे। वो आदमी कहीं चल के जा रहा था तो उसके पॉकेट में से उसका वॉलेट गिर जाता है। मिस्टर च्योंग उसे वॉलेट उठाकर देने लगते हैं तो उसमें एक बच्ची की फोटो दिखती है तो वो पूछते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है क्या? तो वो गुस्से में वॉलेट लेकर चला जाता है। एक दूसरा आदमी बताता है कि 5 साल पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई थी। काम के जो पैसे मिले थे वो देखकर मिस्टर च्योंग बहुत खुश थे और एक बेकरी शॉप जाते हैं केक लेने क्योंकि अगले दिन सियोंग च्योंग का बर्थडे था। कोइंसिडेंटली त्योंग का बर्थडे भी सेम डे था और उसके लिए बहुत सी तैयारियां चल रही थी जो उसके लिए नया नया सा था। उसने तो कभी इतने सारे गिफ्ट साथ में देखे भी नहीं थे। अगले सीन में हम नाजूही को देखते हैं जो सियोंग च्योंग के घर की तरफ जा रही थी पर उसे डायरेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। वहीं मैजिक वाली औरत अपना शॉप लगाकर बैठी थी और उसे देखकर कहती है कि सीधे चली जाओगी तो सियोंग के घर पहुंच जाओगी। वो त्योंग को देने के लिए एक एनवेलप भी देती है। जूही को बहुत अजीब लगता है कि ये औरत सियोंग और त्योंग दोनों को ही कैसे जानती है। जूही सियोंग के घर पहुंचकर उसे बर्थडे के लिए विश करती है और एक गिफ्ट भी देती है। सियोंग फिर उसे अपने कमरे में ले जाता है। इधर त्योंग का बर्थडे बहुत ही ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया जा रहा था। केक काटने के बाद वो अपने पेरेंट्स को थैंक करता है और एज अ थैंक यू अपने डैड को दोशिन बायोटेक के कुछ शेयर्स गिफ्ट करता है जिससे उसके डैड और वहाँ मौजूद सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। इधर सियोंग के कमरे में उसके सर्टिफिकेट्स और बुक्स देखकर जूही खुश होती है और सोचती है कि सियोंग च्योंग का कमरा जैसा इमेजिन किया था वैसा ही है। सियोंग भी जूही के लाए गिफ्ट से बहुत खुश था। जूही ऐसे ही सियोंग की चीजें देख रही थी तो उसे एक बुक के अंदर कुछ स्केचेस बनाए दिखे। वो पूछती है तो सियोंग कहता है कि उसने अपने डैड के कॉमिक से मोटिवेट होकर ये ड्राइंग्स बनाए हैं। दोनों बात ही कर रहे थे कि जूही को एक कॉकरोच दिखता है। वो चिल्लाकर सियोंग च्योंग के पीछे छुपने लगती है पर कॉकरोच देखकर सियोंग च्योंग खुद ही डर जाता है और जूही को आगे करने लगता है और इस चक्कर में दोनों ही गिर जाते हैं। मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड सा होने लगता है तो दोनों जल्दी जल्दी हटते हैं। तभी जूही को अपने डैड का कॉल आता है जो उसे त्योंग की पार्टी में आने के लिए कहने लगते हैं। इधर पार्टी में त्योंग ने सारे गेस्ट के डिटेल्स अपने फोन में सेव कर लिया था और हर गेस्ट को उसके नाम से एड्रेस करके बात कर रहा था। योजिन उसे ऑब्जर्व कर रही थी फिर पास आकर कहती है कि तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो, हर गेस्ट को नाम से बुला रहे हो, ऐसा तो तुम नहीं करते थे और सियोंग च्योंग के दोस्तों को पार्टी में क्यों इनवाइट किया है, इनफैक्ट मुझे भी क्यों किया है। तो त्योंग कहता है कि मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए इनवाइट किया, मैंने तुम्हें चीप कहा था पर तुम चीप नहीं हो बल्कि बहुत प्रिटी हो। तभी जूही भी पार्टी में पहुंचती है और उसके साथ सियोंग च्योंग भी आया था। ये पार्ट हम यहीं खत्म करते हैं, आगे का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।